Hello students, let's do this question. The question says the IUPAC name of the following compound is, चार options आपको given है, आपको correct option choose करना है. So यहाँ पर आप benzene ring पर functional group का substitutions देख सकते हो. एक OH functional group है alcohol, एक CN मतलब nitrile functional group है और एक है आपका BR bromo functional group है. तो तीन functional groups दे रखे हैं. So इनकी priority order हमें पता होने चाहिए. तो सबसे ज्यादा priority CN की होती है, देन OH फंक्शनल ग्रुप की होती है और सबसे लीस्ट आपके BR की होती है. ठीक है, तो अगर प्रायोरिटी ऑर्डर ये है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि आपका जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होगा उसके थ्रू नंबरिंग करेंगे. तो नंबरिंग यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो देख लेते हैं कैसे कैसे होती है. अगर मैंने क्लॉकवाइज नंबरिंग करी यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, क्लॉकवाइज नंबरिंग है, क्लॉकवाइज नंबरिंग कर रहे हैं तो किस किस को क्या सब्सटेंट मिलेंगे. देखो CN तो वन पे ही रहेगा हमेशा क्योंकि वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का है. तो BR का देखते हैं एंड OH का देखते हैं. BR को लोकेंट मिलेगा 2 एंड OH को मिलेगा 5 लोकेंट. अब काउंटर क्लॉकवाइज करके देखते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ. काउंटर क्लॉकवाइज देखते हैं, ये तो ये 1 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा. तो काउंटर क्लॉकवाइज में ब्रोमीन को नंबर मिलेगा 6 और OH को मिलेगा 5. ठीक है, नहीं OH को मिलेगा 3, 3 मिल रहा है. ठीक है, 3 मिल रहा है. अब अगर आप लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग इनका सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा आपका 9. तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग आपका काउंटर क्लॉकवाइज जो रोटेशन है, नंबरिंग है, वो वैलिड होगी. अब इसका रीजन एक ये भी समझ लीजिए कि BR हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट होता है और OH हमेशा ही फंक्शनल ग्रुप होता है. तो जब एक ऑप्शन, एक ऐसा सिचुएशन आए जिसमें आपका इस तरीके का क्वेश्चन हो जिसमें आपको नंबरिंग चेक करनी है, लोकेंट किसको मिनिमम देना है, तो हमेशा ये कोशिश करोगे ना कि जो सम आए लोकेंट्स का वो मिनिमम आए क्योंकि उसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, राइट. सो इस वजह से आपका काउंटर क्लॉकवाइज वाली नंबरिंग क्या होगी, हटा दो यहाँ से. सो अब नाम कैसे लिखेंगे इसका, सेकेंड पोजिशन पे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे. पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, दैट इज ब्रोमीन. So, वो किस पे है, 2 पे है, सो 2 ब्रोमो. ठीक है, उसके बाद में 5 पर क्या है, हाइड्रोक्साइड या अल्कोहल है तो उसके लिए सफिक्स प्रेफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी. और बेंजीन के साथ में अगर CN लगा दे तो उसे बेंजो नाइट्राइल कहते हैं. तो ये हो जाएगा बेंजो नाइट्राइल. ठीक है, सो यहां से B ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू.